हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। आप तो जानते ही हो, जैसे मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, प्लस मैं हूँ ब्यूटिशियन। मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। तो गाइस, मैंने कल रात को कुछ शॉपिंग किया था पार्लर के लिए, पार्लर की चीज़ें सब, मटेरियल सब पार्लर का, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके पहले चलिए थोड़ा सा गार्डन घुमाती हूँ आपको, मेरा जो देखना मुझे रोज बहुत पसंद है। तो गाइस, आज मैंने कुछ काम नहीं किया है। यह है मेरा तुलसी वृंदावन और ये देखिए मनी प्लांट है, फूल खिले हैं। तो गाइस, चलिए थोड़ा सा गार्डन दिखाती हूँ मैं। और ये प्लांट को ना मैं तोड़ ये काट देने वाली थी कि बहुत दिन हो गया फूल नहीं आ रहे, तो इसको काट देते, और इसने डर के मारे फूल आ गए दो तीन दिन में। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। बहुत सारी कलियां लगी है इसमें और थैंक गॉड मैंने इसको तोड़ा नहीं। तो गाइस, इस तरह से मुझे थोड़ा सा अब गार्डन अरेंज करना है। ये है क्रिसमस ट्री, देखिए ऊपर तक गया हुआ है, और वो नारियल के झाड़ में बहुत सारे नारियल लगे हुए हैं। तो चलिए गाइस, अब आप, मैं थोड़ा गार्डन घूम लेती हूँ, तब तक आप मेरी, मैंने जो रात को क्लिपिंग्स निकाली है, मटेरियल खरीदी किया है, वो आप देख लीजिए, फिर मिलते हैं उसके बाद। और मुझे बताना पार्लर के लिए मैंने चीज़ें ली है, और कुछ कम पड़ा हो तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप भी मुझे बताइए कि आप, कि मैं वो ले सकती हूँ। और मेरा सारा मटेरियल मैंने जो लिया है वो आपको कैसा लगा आप मुझे देख के बताइए। तो चलिए गाइस, आप देखिए मेरी वो क्लिपिंग्स और मैं घूमती हूँ थोड़ा सा गार्डन में। तो गाइस, देखा आपने मैंने क्या क्या लिया है, और मेरा भी गार्डन में घूम के हो गया है। तो चलिए अब निकलते हैं पार्लर के लिए।
मस्त मस्त कटिंग करू आपण, छोटा छोटा सा बच्चू, चौकी कौन खाएगा? कैंची पडली असती आता, चौकी कौन खाएगा? तिला चॉकलेट दे, हाँ तिला चॉकलेट दे, आले 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 ले बच्चा बच्चा बच्चा, ओ 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 नाय नाय सोनू नाय रडायचं, नाय लडायचं, नाय लढायचं, चौकी घेतली आणि रडते, लब्बाड आहे पोरगी लब्बाड, चौकी घेते आणि रडते, चौकी घेते आणि रडते, चौकी घेते आणि रडते ना, चॉकलेट पण पाहिजे आणि रडायल, अरे 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 रडायला पण पाहिजे, हा बस बस सोनू बस 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 इकडे कोण कापणार, थोलस बाकी आहे, थोलस बाकी आहे, थोलस, अरे वा सोनी तर गुटगल आहे रडत नाही, मम्मा कुठे गेली, मम्मा कुठे गेली, अरे दिवाळी चांगली दिसायची ना आपल्याला, दिवाळी छान छान दिसायचं आहे की राहिला, झालं झालं दिवाळी छान दिसणार ना, सोनी छान दिसणार, ना बाबू ना नाही रडायचे, अरे बापू एवढं कशाला रडते, आई दे वा अले वा तिचे हात धरून ठेव, हा एवढं नाही रडायचं सोना, एवढं नाही रडायचं, अरे झालं झालं झालं, चॉकी घे, चॉकी चॉकी घे, चॉकी कोणाला पाहिजे, बघ बघू कशी दिसते, हे बघ हे बघ हे बघ व्हिडिओ मध्ये बघ कशी दिसते, बघ व्हिडिओ मध्ये बघ सोना, चॉकलेट लागली ले बाबू रडायला लागली, इकडे बघ चॉकलेट कडे नको बघू, इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ, अरे हाय रडते रडतच राहिली, वेडोबा रडतच राहिली, आता चॉकी मस्त आहे ना, आता केवढं मस्त चॉकलेट खाते बघ, हा केश पण छान कटिंग झाले, इकडे बघ सोना आले नोजी आलं, इकडे बघ सोनू इकडे बघ चॉकलेट कडेच बघू नको, समोर पण बघ, हा समोर पण बघ, मस्त आहे ना चॉकलेट, रात हो गई है और मैंने अभी एक ड्रेस की शॉपिंग की है, देखिए ये मैंने अभी एक ड्रेस की शॉपिंग की है, ड्रेस बहुत प्यारा है, पर मैं जब दिवाली में पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने यहाँ से वो ड्रेस की शॉपिंग की है,
ये वाला ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो गाइस मेरी तो शॉपिंग हो गई है दिवाली की। ये देखो मेरा शॉपिंग। तो गाइस मैं घर पे आ गई हूँ और मेरा शॉपिंग हो गया है। आपको दिखाती हूँ मैं, पर पैकिंग नहीं खोलूँगी क्योंकि वापस उसको कौन घड़ी करेगा। देखिए इस तरह से है, ये टू पीस में है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, मतलब बॉडी पे बहुत अच्छा लग रहा है, पहनने पे बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है। तो गाइस अब रात हो गई है और मेरी पार्लर की और मेरी खुद की दोनों की शॉपिंग चल रही है। बैग भी बहुत अच्छा है इनका। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ दाल चावल और खाते हैं। मुझे ना बहुत टेंशन आ रहा था कि मुझे पता नहीं ड्रेस पसंद आएगा नहीं आएगा, कहाँ से मिलेगा, विंडो शॉपिंग किए जा रही थी। तो मैंने ना स्टैचू पे एक ड्रेस लगाया था ये शॉप पे, तो वो मुझे थोड़ा पसंद आया तो मैं देखते देखते जा रही थी, पर फिर बाद में ना मैंने आगे निकल गई। फिर मैंने सोचा चल रिटर्न जाती हूँ, कल मैं रात को वापस जाऊँगी तो ये स्टैचू वाला ड्रेस बिक जाएगा। तो मैं रिटर्न गई, पर फिर बाद में मुझे वो स्टैचू वाला ड्रेस तो पास से इतना कुछ पसंद नहीं आया, तो उसने ये वाला ड्रेस बताया, तो ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आ गया, तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया है। और गाइस मेरी और पार्लर की दोनों की शॉपिंग जोरों में है। तो दिवाली आ रही है और तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस अब मैं बनाती हूँ दाल चावल। तो गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल, और दाल चावल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए बनाते हैं दाल चावल। दाल का कुकर मैंने चढ़ा दिया है और राइस को धो लेती हूँ। गाइस छोटे छोटे दो कुकर है मेरे पास इस तरह से, तो दोनों छोटे छोटे हैं, तो एक में मैंने दाल चढ़ा दी है और एक में राइस धो के उसको भी चढ़ा देती हूँ गैस पे। तो इस तरह से मेरा खाना फटाक से बन जाता है। और दाल थोड़ा सा दाल फ्राई बना लूँगी तो दाल बहुत टेस्टी, और गाइस मैं दाल बहुत टेस्टी बनाती हूँ। गाइस सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ और सब्जी नहीं बना रही हूँ, तो हम खाएंगे दाल चावल इस मिक्स अचार के साथ। कुकर की सीटी आ गई है और चलिए अब दाल बघारते हैं। तो हम पहले कढ़ाई में डालेंगे घी, लहसुन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और राई, हींग, थोड़ा जीरा और राई और डाल देती हूँ। और अब इसमें पड़ेगा लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और हल्दी, तरी वाली दाल। रेडी हो जाएगी।
इसमें डालेंगे नींबू और दाल का मजा लेंगे। तो गाइस आप बताइए आप दाल किस तरह से बनाते हैं? बिना सब्जी के अगर दाल चावल खाना हो तो मैं दाल इसी तरह से बनाती हूँ और मैं नींबू डाल के खाती हूँ। मुझे नींबू वाला टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दाल का। तो मेरी सिंपल सी दाल बनके रेडी हो गई है। मैंने इसमें नमक और नींबू ऐड कर दिया है। गाइस नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए ताकि चावल के साथ खा रहे ना तो दाल फिक्की ना लगे, इसलिए थोड़ा सा नमक थोड़ा ज़्यादा डालिए तो अच्छी लगेगी दाल। मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ। तो गाइस मुझे लगी है जोरों की भूख। बजे हैं अभी 11:30 और मैंने अपना इंडियन स्टाइल में खाना ले लिया है। ना कटोरी ली ना कुछ नहीं, दाल भी ऐसे ही थाली में डाल लिए या अचार ले लिया है और वाइट ऑनियन मैंने फोड़ के खाने के लिए ले लिया है। तो चलिए अब मैं खाना खाती हूँ और आप सब ने खाया कि नहीं खाना, देखते हैं दाल कैसी बनी है। यम्मी यम्मी। तो गाइस बज गए हैं 12 और मेरे भी बज गए 12। बहुत नींद आ रही है और सुबह उठना है, 5:15 का अलार्म लगा दिया है। तो चलिए अब सोते हैं और गुड नाइट आप सभी को, और मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय गाइस। मुझे उठना है सुबह 5:15 और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मुझे उठना है 5:15। आप में से कौन कौन जाग रहा है? अगर मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले होंगे तो मुझे भी उठा दीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, 12:00 हैं और अब मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो अब सोते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो बाय बाय।